अगर हम ऐसे पहले बनाते ना रील्स, इनसे पहले शुरू करते हैं तो सीधा बोलते अरे छिछोरे हो तुम, छिछोरे पता नहीं क्या क्या बनाते रहते दिन भर। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी जिंदगी के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 9:15 बज चुके हैं। पानी जो है मैं फिनिश कर चुका हूँ पी के। अभी जो है मैंने चाय पीनी है। वाइफ ने अनुपमा देख लिया और सुबह जो व्लॉग डाला था 8 बजे शेड्यूल किया था वो भी देख लिया है। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज सुबह की वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। अरे 9:15 बजे इतना अंधेरा कैसे है? है बाहर आज सूरज देवता आए नहीं है, फॉगी फॉगी। बच्चो तुम्हारे पापा आ गए, सो रहे हैं? थोड़ा सा गर्म है। अक्कू 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 तो फिट है। बच्चों की तबीयत खराब रहती ना, बिल्कुल मजा नहीं आता, यहाँ तक कि ब्लॉग बनाने में भी। लो मैडम तुम्हारी अमानत। हमारी और किसकी है? लाइए दीजिए। थैंक यू। गृहिणी कौन है? तुम हो। चाय बन रही है, बढ़िया से बनाना। चलो टेम्परेचर नापते हैं बच्चों का। मुझे तो ना वैसे इस मशीन के ऊपर भरोसा नहीं होता बिल्कुल भी। 97, 100, 99.8, 99.7। अबे दिल की धड़कनों की तरह चेंज हो रहा है क्या ये टेम्परेचर? सर पे आ रहा है 99, गालों में आ रहा है 100। तो चाय मेरी आ गई है, ज़रा पीने का माहौल बनाते हैं। लाइट जलाते हैं अपने छोटे से बार की। गया ना बिस्किट? बुखार है? जल्दी आ, दवाई पीनी है फिर, जल्दी फटाफट उठ जा। बुखार आ रहा है? नोजी आ रही है? बिस्किट फिनिश। खांसी हो रही है, कभी स्टीम लेंगे जरा, थोड़ी सी ठीक हो जाएगा। गौरव तो सो रही है, तकिया पीछे ठीक से करो, ये दीवार की ठंड घुस रही है अंदर सारी। खा जा चूहा, इतना सा तो रह गया। हाँ खा ले, खाना पूरा खाना, ठीक है पूरा फिनिश होना चाहिए खाना, इसलिए मैंने तुम्हारे को टीवी देखने के लिए दिया। बेटा गौरू उठे नहीं आज तो बहुत देर तक सोए हो, दिनू आ रही है अभी और तबीयत ठीक है? गाना वो देख रही है जुरासिक, आज हम भी देख लेंगे। आओ कम चल चल रैबिट वाले अपने पैन चप्पल, आराम से आराम से। तो गाइस गौरी खाना खा रही है, पूजा मुझे खाना खिला रही है मगर उनसे नहीं खा रही है, नखरे कर रही है और मुझे कह रही है हटो हटो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुकरे बॉयज देखना है इसने, और दीदी का जो है भाप चल रहा है, दीदी की हालत पतली हो रही है। आज जाएंगे डॉक्टर के पास, जल्दी भाप लो, वो देख सारी भाप उड़ गई। जल्दी जल्दी कोशिश, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चल आ जा चल, अरे ऑन रिकॉर्ड्स है इनके प्रॉमिस। हाँ चल अरे फटाफट खा ले, फिर उसके बाद तेरी भी बारी है भाप लेने की। चलो देखते हैं बाहर बारिश बंद हो गई क्या। बारिश हो रही थी सुबह, पहले फॉग हुई उसके बाद बारिश, और अब देखते हैं उसका हाल। ठंड भाई ठंड है बहुत, हो रही है हल्की हल्की हो रही है, बिल्कुल पता नहीं चल रही है ऐसे, मगर नीचे देखो सारा का सारा गीला हो रखा है और सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वो बिल्डिंग भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है और दिनों पूरी दिखाई देती है, और सामने तो बिल्कुल ही ब्लैंक, दूर की बिल्डिंग्स और स्कूल सारे गायब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ गई है, बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं होती तो इस टाइम पे हम उत्तराखंड में होते। कभी तो लगता है कि उत्तराखंड ही सही था, यहाँ पर तो भाई साहब कोरोना ऐसे बढ़ रहा है ना, फुल स्पीड पकड़ रखी है, सब जगह केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने देर तक रखना है? 100 तक गिन ले, ठंड गर्म नहीं होगा फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाप लेने के बाद ना एकदम से मुंह खोल देते हैं, तो ये ट्रिक सही है। 100 तक काउंट करो और मुंह जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। अभी गौरी की भी बारी है स्टीम लेने की, वो तो कैसे चैनल चेंज करने में लगी अपने। ओ झोलमाल, ओ ओ ओ झोलमाल, फुकरे बॉयज से झोलमाल पे चलेगी। तो गाइस चलो नीचे चलते हैं डॉक्टर को देखने के लिए, बाहर बारिश हो रही है तो विंडचीटर पहन लेते हैं, ठीक है। और ये देखो इनका गेम चल रहा है, और रैबिट के आधे कान दबा दिए गौरी ने नीचे। मैं आ रहा हूँ ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय। चप्पल तो चेंज कर लो, बारिश हो रही है भाई, बाहर पक के जाना पड़ेगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बिल्कुल ज़्यादा तेज नहीं है, और सुबह से ही हो रही है ऐसी बारिश, आँखों के आगे ना फॉग आने लगती है बाहर आते ही। सब ने कवर कर लिया प्लास्टिक से, यहाँ जाना ऊपर आई केयर, आराम से आना पड़ेगा वरना स्लिप हो जाएंगे। डॉक्टर साहब है क्या? कितने बजे तक आते हैं? थैंक यू। फ़ोन करके पूछना बस, अब कितने बजे आएंगे?
कैमरे में भी पानी पड़ गया। विंड चीटर पहनने का फायदा हो गया बट बाल तो तब भी गीले हो गए। पूजा दीदी जल्दी करो, ठंड हो गई बाहर बहुत। पूजा दीदी भूल गए सैनिटाइजर। लाइट तो जला लो पूजा दीदी। लाओ। घर पे आके कितना रिलीफ मिल रहा है। आपको गौरव मम्मा मम्मा तो ऑफिस गई है, मम्मा कहूंगी यहाँ पे। तो रोज सुबह ना लेट उठाकर और उसके बाद ढूंढा कर मम्मा का है, मम्मा का टाइम से उठाकर तभी मम्मा मिलेगी। खेल ले गेम, मिल गई शांति। तो ज्ञानोश हो गई, अब आराम से हनी और जिंजर और काली मिर्च का एक पेस्ट बनाया था वो दे दिया था, उसके बाद इसे आराम मिला। जो कफ था वो निकाल दिया इसने, अब वो सो गई है। तो तीन दिन से जो है दिन भर यही काम चल रहा है, स्टीम दिलाओ, दवाई पिलाओ, कभी वॉमिटिंग हो जा रही है। और बस इसी दीवारी में अब जो है अगले कुछ दिन या महीने भी कट सकते हैं क्योंकि कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ से आधा ये जो दरवाज़ा है इस दरवाजे के बाहर जाके देख सकते हैं, यहाँ से तो दिखेगा नहीं। अभी यहाँ से देख लो पूरा जो है फॉग ही फॉग। ठंड आज बहुत ज़बरदस्त है, ठंड इसलिए भी ज़्यादा तेज़ हो रही है क्योंकि हवा चल रही है और इसी चक्कर में हमने देखो सारा का सारा बंद किया हुआ है। अभी देखो इसको मैं खोलता हूँ तो बाहर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी बंद ही रहने दो। गौरी ने भी अपनी दवाई पी ली है, आज नलाई नहीं किसी को भी क्योंकि बहुत ठंड है। और गौरी आपसे कुछ कहना चाहती है, कल इसने कहा था कि मैं सरप्राइज़ कुछ दूंगी, सरप्राइज़ तो आज अभी तक हमें सरप्राइज़ नहीं पता। गौरी क्या सरप्राइज़ है, कल रात को आपने कहा था कि सरप्राइज़ होगा अगले दिन। बताती हूँ, चलो फिर सोचा कि कल हम कुछ कहना दीदी को सरप्राइज करेंगे तो फिर चलो गाइस को भी सरप्राइज कर देंगे। चार बार मैंने सरप्राइज सुन लिया अभी तक मुँह से, मगर अभी तक ये नहीं पता चला कि सरप्राइज क्या है। अभी बस हम मैं इसकी तैयारी करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये अभी गौरी जो है तैयारी कर रही है, हम थोड़ी देर में बाद में कैमरा लेके आएंगे गौरी के पास और गौरी जो है लाइट जला के और दरवाजा बंद करके और यहाँ पर सरप्राइज तैयार करेगी। अरे इधर 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 का ये गमले वमले का ले गई पापा के ये, और सरप्राइज का क्या हुआ अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ दीदी ने देख खाना भी बना दिया, किचन से खुशबू आ रही है खिचड़ी की, और गौरी का अभी तक सरप्राइज ही रेडी नहीं हुआ। मैं तो वेट कर रहा हूँ। बन गया, कहाँ है, चले चले देखने। तो गाइस गौरी कह रही है कि गौरी ने एक सरप्राइज रेडी कर लिया, तो चलो चलते जरा इसके पीछे भागते भागते कि क्या सरप्राइज रेडी किया। भागो भागो भागो, ये सरप्राइज, ये घर बना दिया दोबारा तूने टेबल के नीचे। और इस बार तो दीदी का लाल वाला टेडी भी लेके आ गई, इस बार ये सरप्राइज है। मैं भी आ जाऊँ? अच्छा एक मिनट जाओ, जरा मैं लाइट जला के आता हूँ, अंधेरा हो रहा है बहुत। गौरी पापा तो जा नहीं पाएंगे वहाँ स्विच तक, एक काम करो तुम चढ़ के फटाफट से लाइट ऑन कर दो, इसके बगल वाला। हाँ अब सही है, अब आ जा। अच्छा तभी मैं बोल रहा था कि ये टेबल ये चेयर खिसकाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, यही सरप्राइज बना रही थी। तो ये रैबिट चप्पल इसने यहाँ उतार दी अपनी, मैं भी उतार रहा हूँ। अब घर पे बैठे बैठे बनाएंगे भी क्या ब्लॉग में, यही सब बनेगा बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के घर में रहो। और अरे पोपट भी है यहाँ तो, पोपट यार ये तो बहुत बढ़िया घर लग रहा है गौरी, मुझे मेरे को दे दिया वाला घर। मैंने पहले फटाफट से चेयर खिसका के मैट भी छेड़ के लाए, सब कुछ सजाया, बन गया। टीवी भी लगा दो घर पे, जरा टीवी तो चला दो, है ना। अच्छा वो है, वो इसी घर का टीवी है। खाने में क्या है आपके घर पे, जरा मेहमान आए हैं आपके घर पे, जरा कुछ खिला तो दो। किचन भी है खिड़की पार, वाह ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला घर बना रखा लग रहा है गौरी ने। यहीं से आवाज मारेगी अपनी मेड को, ओ जा दीदी कुछ खाने के लिए दे दो, किस टाइम है। ए रैबिट की तरह जंप। पापा को जो है बुलावा आ गया पड़ोस से दीदी का, पापा वहाँ मिल के आते हैं। हाँ कर लो, कोई नहीं सो जाओ ना, आईज क्लोज कर लो, नहीं आएगी फिर। खेलना ही बेकार है गौरी के साथ, तो पीछे पड़ जाती किसी चीज के लिए। आज कुछ ज्यादा रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि गौरी भी दिन भर से परेशान कर रही थी और ज्ञानों की तो तबीयत है ही खराब। थोड़ा थोड़ा मैं भी डाउन था आज, लग तो रहा है कि ओमिक्रॉन के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर से भी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आरटीपीसीआर करा लेना, सबसे पहले हम जो आरटीपीसीआर है वो ज्ञानू की कराएंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो रिजल्ट आते हैं वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ज्ञानू को आइसोलेट कर दिया यहाँ पर इस कमरे में, अब इसके पास जो जा रहा है वो मैं ही जा रहा हूँ स्टीम दिलाने के लिए। तो डॉक्टर ने जो है नई दवाइयाँ दी है, कल इसका टेस्ट होगा तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सोचो और अच्छा सोचो तो चीज़ें जो अपने आप ठीक होती जाएंगी। स्नैक्स टाइम है, ये खाना का टाइम है, वो देख क्या टाइम हो गया, 9 बज गए। क्या कर रखा है, खांसी हो रही है इतनी।
गौरी यहाँ पर मेरे जियो के डोंगल के साथ खेल रही है, पता नहीं सोच रही क्या चीज है, खेलने का खिलौना गोल गोल घुमाने में लगी है। और वहाँ पर मम्मा लगी हुई है गौरी की मौसी के साथ कोरोना डिस्कशन में कि कोरोना कैसे फैल सकता है, कितना फैल सकता है, अभी तो कल टेस्ट होगा तो पता चलेगा। और मौसी दिखेगी इस वाले व्लॉग में टेंशन में, थोड़ी थोड़ी खुशी में। आज गौरी की डिमांड थी कि खाना उसको पापा के हाथ से खाना है और पापा उसकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं और ये गौरी आज पापा के हाथ से खाना एंजॉय कर रही है। कैसे लग रहा है पापा के हाथ का टेस्ट है? मम्मा के हाथ में नहीं आता टेस्ट? पापा के हाथ का तो अलग ही टेस्ट होता है, तुमने भी खाया था एक बार। थैंक यू। उसको ज्ञान को भी देख लियो जरा, ब्लॉग देख के ना याद आ रहा है। एक दिन खाना बनाओ, पूरे हफ्ते पर शांत रहो, एक ही दिन बनाना होता है बस खाना। हाँ हाँ, अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाओ ऊपर फटाफट। अरे ये कौन सा स्केल है तेरा गौरी? ये तूने एंटिक पीस जो बनाए हैं ये कहाँ देख के बनाए? ये कहाँ से देखा? ये मैंने देखा नहीं, ये मैंने अपने दिमाग पे देखा है। इजिप्ट के मॉडल्स लग रहे हैं दोनों के दोनों। मुझे तो एलियन लग रहे नहीं है गौरी, एलियन एलियन आए थे आपके माइंड में? नहीं एलियन नहीं। आपके पास तो दो दो एलियन है, और है ना? इसका दिल ये देखो गर्दन में टक रहा है। एक येरा और एक येरा, दो दो एलियन। गौरव छुप के लिए वहाँ, जल्दी आ जा। कितना है? 95 जीरो आ रहा था अभी। टॉपिक का ले रही है बताओ। अरे रील्स की तैयारी हो रही है, और देख मैं सोचू कि रात को आज ये लाइट क्यों जल रही है यहाँ की, आज तक तो कभी जली नहीं, और अब एकदम से मम्मी लगी है रील्स की तैयारी करने में और लड़कियां थर्मामीटर में। फट एक ना नई ऐप आई है जिससे कि नाम वाम चेंज कर दो, वहां पर एक लड़की है सिमरन जिसका नाम डाल के मैंने ना डीपी लगा दी और वहां लिख दिया हाय डू यू स्टिल मिस मी, आई चूज यूर पिक्चर एज माई डीपी, और मैंने उसमें रिप्लाई कर दिया ग्लैड टू नो दैट, और उसके ऊपर ना अंदर से ना बाहर आ गई भाग के। गौरव मम्मा ना बहुत सरप्राइज हो गई अभी, इतनी ज्यादा हो गई कि अंदर से बाहर आ गई। वैसे तो खतरों के खिलाड़ी है हम, पर ठंडे पानी से पंगा कौन लेवे। अगर हम ऐसे पहले बनाते ना रील्स, इनसे पहले शुरू करते हैं तो सीधा बोलते अरे छिछोरे हो तुम, छिछोरे, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं दिन भर। तो गाइस व्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ, ज़्यादा कुछ आज है नहीं कहने को क्योंकि सबकी जो है तबीयत खराब है। ज्ञानो जो है अंदर लेटी हुई भी मेरा वेट कर रही है, मम्मा पूजा दीदी और गौरी जो है वो एक रूम में है। जाने से मतलब पहले यही एक बात कहूँगा कि अगर कोविड का जो फेस है ना वो मैं पहले भी देख चुका हूँ फेस टू में जब डेल्टा वेरियंट था, तो इसी घर पे फैमिली जब उत्तराखंड में रहती थी और मैं यहाँ पर रहता था अकेले, तो इसी घर पे लगभग मैंने 30 दिन जो है अकेले काटे हैं बिल्कुल बंद कमरे में। सामान जो है क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया था कि जो मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोविड के रहे, तो सारा का सारा ग्रोसरी का सामान मैं पहले लेके आ गया था। तो उसके बाद मैंने 30 डेज़ इंडिपेंडेंटली इस घर में काटे हैं, खुश होकर काटे हैं। एक तो ना इंसान को कभी भी किसी बीमारी से जो है ना घबराना नहीं चाहिए, अगर आपके अंदर अगर ऐसी चीज़ें घबराहट के अगर आने लग गई ना तो आपका जो माइंड है ना वो उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होने लग जाता है। तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ना वो आपके बिहेवियर के साथ बिल्कुल जो है काम करते हैं, तो अपने माइंड को ना बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। तो अभी जो सिचुएशन है अभी ये नहीं पता कल तो ज्ञानों का टेस्ट होगा, बट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं पूरे घर में बस जो है पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ, और वाइफ को भी कहता हूँ कि कोई मतलब टेंशन लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में आती रहती है। बट हाँ एक चीज़ मैं दोबारा कहूँगा जाने से पहले कि फिटनेस के ऊपर जो है ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैं इसी नोट के साथ ये ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि अभी मुझे अंदर भी जाना ज्ञानों के पास, और कुछ एडिटिंग वगैरह है उसका काम अब मैं बैठ के कम्प्लीट करूँगा, उठा रहना भी ज्ञानों के साथ। तो चलिए मिलते हैं मेरी ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में बहुत जल्द।